गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। कैसे हैं आप लोग? सो टाइटल एंड थंबनेल आपने देख लिया है। सो आप ही सोचो, मैंने इतना अच्छा वाला लुक क्रिएट किया है, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ। आज मैंने इतने अफोर्डेबल प्रोडक्ट यूज़ किया एंड एक प्रोफेशनल लुक क्रिएट किया है मैंने। आप बोल सकते हो उसको प्रोफेशनल ब्राइडल लुक यूजिंग अफोर्डेबल प्रोडक्ट। सो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए, जो बिगनर्स है, जो एकदम सस्ता मेकअप किट बनाना चाहते हैं एंड जो चाहते हैं कि उनका ना मेकअप बहुत फ्लॉलेस नजर आए कम बजट के प्रोडक्ट से भी। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लिनजिंग ऑलरेडी हो चुकी है। क्लिनजिंग के लिए मैं हमेशा ना क्लिनजिंग मिल्क का यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट मैं बायोडर्मा का यहाँ पे टोनर यूज़ करी। अफोर्डेबल है, इससे भी अफोर्डेबल लेना चाहते हो गुड वाइब्स ट्राई कर सकते हो, प्लम ट्राई कर सकते हो। सो अच्छे से कॉटन पैड में मैंने टोनर को लिया एंड अच्छे से टोनर अप्लाई करी हो। नेक्स्ट मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है मामा अर्थ की एलोवेरा जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र। सो आपको जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र पे इन्वेस्ट करना चाहिए एंड ये बहुत बड़ा ट्यूब मतलब टब है, आप देख सकते हो। 499 रुपीज़ में आपको अच्छा खासा क्वांटिटी मिल रहा है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आईब्रो को फिल करने के लिए यूज़ कर रही हूँ पैक की आईब्रो पोमेड। सो अच्छे से आईब्रो को हम फिल कर लेंगे। आपको भी पाउडर यूज़ कर सकते हो अफोर्डेबल में। नेक्स्ट मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर ले रही हूँ इन दी शेड 02। तो अगर आप मुझे रिकमेंडेशन लेना चाहते हो ना मुझसे कि मैम को ऐसा अफोर्डेबल कंसीलर बताओ जो कि आप ब्राइडल को दे सकते हो, तो आप स्विस ब्यूटी ट्राई कर सकते हो। स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं एंड ये 02 शेड ना बहुत अच्छा है, सैंडसेबल। सो अच्छे से हमने कंसीलर को ब्लेंड कर लिया। अब हम मार्स का यहाँ पे पैलेट यूज़ कर रहे हैं दो। आपने दोनों देखा मार्स कंपनी का है, दोनों का प्राइस 200 या 299 रुपीज़, ये काफ़ी अफोर्डेबल है। तो आज मैं एक स्मोकी लुक क्रिएट करूँगी, स्मोकी लुक विद ग्लिटर। ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम एक लाइट शेड को पिक करेंगे। मैंने आपको ना दोनों पैलेट क्यों शो किया मैं बताती हूँ। आप मार्स का इस दोनों में से कोई भी एक पैलेट ले सकते हो एंड आप सबसे पहले लाइट शेड को यूज़ करोगे। तो इस तरह से मैंने दोनों पैलेट्स में हल्का हल्का शेड को मिक्स किया है। इससे क्या होगा, मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि अगर आपके पास एक पैलेट है तो आप कौन सा कलर लोगे, दूसरा पैलेट है तो कौन सा कलर लोगे। तो सबसे पहले लाइट कलर को लेके बफ किया है हमने कॉन्टूर एरिया पे, अच्छे से उसको ब्लेंड किया है। नेक्स्ट मैं इन दोनों डार्क शेड को ले रही हूँ। सो ये वाला जो पैलेट है ना, जिससे मैंने ज़्यादा शेड यूज़ किए हैं, आई बिलोंग पर्श आई शेडो करके कुछ है मार्स का, काफ़ी अच्छा, आप ले सकते हो। सो इस तरह से मैं क्रीज एरिया पे इस डार्क शेड को अप्लाई कर रही हूँ सी बना के। एंड मैं क्या कर रही हूँ, पूरे लिड पे इसको अप्लाई कर रही हूँ, यानी शेडो एरिया पे, यानी क्रीज एरिया पे। सो इससे क्या है, एक स्मोकी लुक आ रहा है। मुझे एक स्मोक लुक देना था, ब्राउन स्मोकी का। सो डेट्स वाई मैंने क्या किया, इस तरह से शेप क्रिएट किया एंड देन मैंने पूरी लिड पे उस ब्राउन शेड को अप्लाई किया है। तो इसी तरह से आपको करना है एंड इसको ब्लेंड करने के लिए आपको काफ़ी टाइम देना होगा, क्योंकि हार्श लाइन नज़र आएगी तो अच्छा आपका मेकअप नहीं लगेगा। तो मेक श्योर थोड़ा सा टाइम लेके एंड पेशेंस रख के ब्लेंडिंग कीजिए। लास्ट में मैंने इसी पैलेट में से एक ऑरेंज शेड को पिक किया। दोनों पैलेट में ऑरेंज शेड था, तो मैंने लाइट ऑरेंज कलर को लिया एंड कॉन्टूर एरिया के पास इसको अप्लाई किया है, जहाँ पे हमारा आईब्रोज था उसके नीचे वाला एरिया। नेक्स्ट मैंने ब्लैक कलर को लेके स्मोक किया है, तो मुझे और इंटेंस लुक देना था, तो मैंने जेल लाइनर हल्का यूज़ किया मेबलिन का एंड मैं अब स्मोक कर रही हूँ। तो मुझे ये वाला आई मेकअप पर्सनली बहुत पसंद है, मैं अपनी रियल ब्राइड को भी ये वाला आई मेकअप देती हूँ। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे PSC की ग्लिटर प्राइमर एंड देन मैं ग्लिटर के लिए फॉरएवर 52 का स्टारडस्ट यूज़ कर रही हूँ सिल्वर शेड में। आप अगर पैक का ग्लिटर प्राइमर लेना चाहते हो तो बहुत अच्छा है। बहुत लोग टू वे जेल भी यूज़ करते हो, आप वो भी ले सकते हो। लास्ट में फिर से हल्का स्मर्श करके आपको डन करना है। मस्करा के लिए मैंने शुगर पॉप का मस्करा यूज़ किया। ये शुगर का ही दूसरा ब्रांड है जो कि अफोर्डेबल प्रोडक्ट बनाते हैं। सो 299 रुपीज़ का ये मस्करा है आई गेस, तो आप इसको भी ले सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बट इसका जो एप्लीकेटर होता है ना, मुझे वो पसंद इतना नहीं आया। नेक्स्ट मैं रिकॉर्ड का काजल ले रही हूँ, जो कि इजीली अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल है, आप ले सकते हो एंड बहुत पिगमेंटेड है। जो भी फॉल आउट था क्लीन कर देना है आपको। मिसेलर वाटर यूज़ मत कीजिएगा क्लीन करने के लिए, आप वेट वाइप्स से अच्छे से क्लीन कर देना बस। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, प्राइमर यूज़ कर रही हूँ के ब्यूटी का। सो ये प्राइमर मुझे इतना कोई खास पसंद नहीं है, बस मेरे पास है तो मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वेस्ट थोड़ा सा रखा एंड मैंने जो उसमें ले तो लिया था, बट मुझे इतना पसंद नहीं आया टू बी ऑनेस्ट। इससे अच्छा आप मार्स का सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर पे इन्वेस्ट कर दो, वो ज़्यादा बेटर है, या फिर स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटिंग प्राइमर। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 की कैमोफ्लेज पैलेट एंड मैं ऑरेंज कलर को इस तरह से एंड डार्क ब्राउन शेड को मिक्स करके अप्लाई कर रही हूँ, जहाँ पे भी पिगमेंटेशन है। सो अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड कर लेना है आप लोग को। कंसीलिंग करने के बाद हम फाउंडेशन यूज़ करेंगे। तो मेबेलिन सुपरस्टे की 24 आवर लॉन्ग वेयर फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ एंड इसमें शेड जो मैं यूज़ कर रही हूँ 220। यहाँ पे आपको नेचुरल बेस दिख रहा होगा, मेरे मॉडल के स्किन टोन से काफ़ी हद तक मिलता है। सो बात की जाए ये फाउंडेशन हम बैल को दे सकते हैं, तो जी हाँ आराम से दे सकते हो। बहुत लोग ना कहते हैं कि ये अनप्रोफेशनल प्रोडक्ट है, फिर बैल को नहीं दे सकते, बट ऐसा कुछ रूल रेगुलेशन नहीं होता है मेकअप का। आपके बजट में अगर ये फिट हो रहा है, क्योंकि इसकी ना जो प्राइस है रियल 750 रुपीज़ है एंड ये ऑन सेल आपको हमेशा 550 में मिल जाएगा। तो क्यों नहीं, अगर आप बिगनर से अपने आने स्टार्ट करे हो मेकअप तो आराम से इसको यूज़ करो। फुल कवरेज देता है, मैट फिनिश देता है, लॉन्ग वेयर है एंड बहुत देर तक क्लाइंट के फेस पे रहेगा। एज यू कैन सी इसकी कवरेज कितनी अच्छी है। एंड आजकल मैंने एक नया टिप सीखा है। मैं क्या करती हूँ, फाउंडेशन प्लेट में फाउंडेशन को निकाल लेती हूँ एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से इमल्सिफाई कर लेती हूँ एंड सारा ब्यूटी ब्लेंडर में फाउंडेशन को ले लेती हूँ एंड देन एक साथ मैं पूरे फेस को कवर करती हूँ। इससे ना मुझे फिनिश बहुत ही नेचुरल मिलता है। इस मेथड को आप ट्राई कीजिएगा घर पे, बहुत ही फ्लॉलेस आपका बेस बनेगा, ट्रस्ट में बहुत ही फ्लॉलेस। एंड 2 पंप या 3 पंप काफ़ी है मेबेलिन का। सो इससे ना आप वाटरप्रूफ मेकअप भी क्रिएट कर सकते हो क्योंकि ये एक मैट फाउंडेशन है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक डार्क शेड का कंसीलर यूज़ किया है जो कि आप बोल सकते हो मेबेलिन फिटमी का है, मतलब मेबेलिन फिटमी का ही मैंने यूज़ किया 30 नंबर हनी। मैंने सोचा मैं लाइट शेड अप्लाई करने से पहले ना एक डार्क शेड का कंसीलर यूज़ करती हूँ या फिर स्किन टोन से मिलता हुआ कंसीलर। नेक्स्ट मैंने फिर से स्विस ब्यूटी का 02 कंसीलर यूज़ किया एज ए हाईलाइटिंग कंसीलर, ये काम करेगा। सो इस मेकअप का प्राइस कितना लोगे? बहुत लोग मुझसे कमेंट में पूछेंगे कि मैम हम इसका कितना प्राइस लें, क्योंकि आपने जो भी बेस यूज़ किया, आई शेडो पैलेट यूज़ किया, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल थे। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ, आप इस मेकअप का 5 से 6 हज़ार ले सकते हो। 5 हज़ार भी लोगे तो कोई लॉस आपको नहीं होगा बिल्कुल भी, एंड आपका मेकअप भी बहुत अच्छा होगा। सो स्टार्ट कर रहे हो तो आँख बंद करके इन सब प्रोडक्ट को लो। मैंने भी जब स्टार्ट किया था ना तो कोई, मैं भी बहुत होता है ना पैसे वाली अमीर नहीं थी, मैंने भी यही सब प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था एंड धीरे धीरे आप देख रहे हो आज मैंने कितने महंगे महंगे ब्रांड ले लिए। तो पहले स्टार्ट करो, पहले जमाओ अपने बिजनेस को, देन महंगे प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट कीजिएगा। अदरवाइज प्रोडक्ट महंगे ले लो, काम ही नहीं आता है आपको, तो आप कितना भी अच्छा मेकअप कर लो आपका मेकअप अच्छा नहीं होगा। तो काम देखते हैं लोग, ना कि मतलब होता है प्रोडक्ट देखते हैं। अगर आपका मेकअप अच्छा है, टेक्निक अच्छा है, तो लो प्रोडक्ट से, लो बजट के प्रोडक्ट से भी आप अच्छा मेकअप क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि अभी आप देखो यहाँ पे मैंने मार्स का यूज़ किया है पैलेट, ब्लशर, कॉन्टूर पैलेट। ये ना इसकी जो रियल प्राइस है 279 रुपीज़ है। सोचो कितना अफोर्डेबल है एंड ये कितना अच्छा काम कर रहा है। एज ए ब्राउन्जर अच्छा काम कर रहा है, एज ए कॉन्टूर अच्छा काम कर रहा है, एज ए ब्लश अच्छा काम करेगा, एज ए हाईलाइटर अच्छा काम। तो क्यों हम महंगे पे जाए, आप मुझे बताओ। आपको 299 रुपीज़ में या 270 रुपीज़ में इतना अफोर्डेबल पैलेट मिल रहा है, तो आप पहले ये लो। आप टेक्निक सीखो मेकअप का। देखो टेक्निक सीख जाओगे ना, ये करने का तरीका सीख जाओगे ना, फिर महंगे प्रोडक्ट लो तो आप आराम से मतलब होता है ना क्लाइंट भी बना लोगे। मैंने देखा है बहुत लोग कहते कॉपी करते हैं कि नहीं हम महंगे प्रोडक्ट लेंगे तो हमारा ना इनकी तरह मेकअप हो जाएगा। जी नहीं, कभी नहीं होगा। पहले टेक्निक सीखिए, तरीका सीखिए एंड देन आप महंगे प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट कीजिए। अदरवाइज आपके पास इतने पैसे हैं तो आप लो, मैं किसी को रोकूंगी थोड़े ना। बट मैं एक एडवाइस कर रही हूँ जो स्टार्ट करना चाहते हैं इस बिज़नेस को एंड अर्न करना चाहते हैं एज ए मेकअप आर्टिस्ट बन के, उनके लिए शायद ये सब बहुत हेल्पफुल होगा जो भी आज मैंने वीडियो में बताया है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लश कितना अच्छा पिगमेंटेड है, काफ़ी अच्छा पैलेट है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि ओवर पिगमेंटेड है, आपको एक बार में एकदम अच्छा पिगमेंटेशन मिल जाएगा, बट हाँ इसको आप बिल्ड कर सकते हो एंड बिल्कुल पैची नज़र नहीं आता, सबसे बड़ी बात है। एंड इसका हाईलाइटर शेड देखो कितना अच्छा है, मतलब कि आपको कितना अफोर्डेबल मिल रहा है। कितने सारे आपको शेड मिल रहे, 3 ब्लश के 3 कॉन्टूर के 2 3 हाईलाइटर के। सो बहुत अच्छा पैलेट है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। बात करते हैं इसके बाद हमें क्या करना था। तो मैंने फेस को सेट नहीं किया था, आपने देखा मैंने फेस को सेट नहीं किया। सेट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, कोई भी लूज पाउडर ले लेंगे। तो मेबेलिन का ले सकते हो अफोर्डेबल में, आप के ब्यूटी का ले सकते हो। मैं अदर कोई आपको ट्राई करने नहीं बोलूँगी, मुझे ये दोनों अफोर्डेबल भी लगते हैं एंड काम भी अच्छा करता है। तो यही सब आपको यूज़ करना है। टी जोन पर अप्लाई कर लीजिएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा मेकअप यही से निकलता है। सो बफिंग मोशन में करोगे ना ब्यूटी ब्लेंडर में लेके, तो आपका मेकअप मेल्ट नहीं होगा। एंड लैसेस मैंने कौन से यूज़ किए थे, मैंने लैसेस ना यूज़ किए थे 275 नंबर फ्रॉम PSC। सो आप ले सकते हो। ग्लू के लिए भी मैंने PSC का यूज़ किया था, मैं बताना भूल गई थी। अब हम यहाँ पे अप्लाई करें काजल रिकॉर्ड का एंड इसको स्मर्स करेंगे ब्लैक आईशैडो की मदद से एंड ब्राउन कलर की मदद से या फिर ऑरेंज कलर की मदद से, ताकि लोअर लैश लाइन कंप्लीट नजर। सो लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है दो, एक है प्ले ऑफ क्ले रेने का, एक है मेड फॉर मरून। दोनों मैंने रेने ब्रांड का ही यूज़ किया है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। सो अच्छे से लिपस्टिक आपको ब्रश की मदद से अप्लाई कर देना है। एंड हमारा मेकअप ऑलमोस्ट डन है। लोअर लैश लाइन को कंप्लीट कर लेंगे हम इस तरह से, आप देख सकते हो मस्करा लगा के एंड बिंदी एप्लीकेशन। एंड लास्ट में हम इनर कॉर्नर ब्रोबोन को हाईलाइट कर देंगे एंड मेकअप फिक्सर करेंगे। मैंने मार्स कंपनी का यूज़ किया है मेकअप फिक्सर। सो आप देख सकते हो मार्स कंपनी का मैंने यूज़ किया, काफ़ी अच्छे से मेकअप को सेट करा एंड अफोर्डेबल है ये भी। सो हियर इज़ अ फाइनल लुक गाइज। होप ये वीडियो इतने दूर देखा है आपने तो पसंद ज़रूर आया होगा। मेरे बताने का तरीका कैसा लगा, ये मेकअप लुक कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी मैं आपसे रिसेंट में बहुत सारे मेकअप शेयर की हूँ वीडियो, पहली बार आए होंगे चैनल पर तो चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने आपसे साउथ इंडियन मुस्लिम वाला तो शेयर नहीं किया है, करूँगी इसके बाद शायद। एंड मैंने आपसे मराठी लुक शेयर किया है, बंगाली लुक शेयर किया है, फिर रिसेप्शन लुक शेयर किया है, इंगेजमेंट लुक शेयर किया है, बहुत तरह के लुक शेयर किया है, तो आप चेक कर सकते हो। सो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने दो ज्वेलरी वेयर करवाया था, मतलब मुझे दोनों अच्छा लग रहा था, तो कौन सा इन पे ज़्यादा सूट कर रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड इस मेकअप को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा अपने क्लाइंट के ऊपर या खुद के ऊपर। तो मुझको टैग कीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर श्रुति मनत मेकओवर, फेसबुक का नाम भी श्रुति मनत मेकओवर है। चलिए मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।